श्रेयस ने लगाई कप्तानी पारी, लेकिन चहर की हैट्रिक ने आज सारी बाजी है मारी। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। आईपीएल 2022 में पहली हैट्रिक आ चुकी है, जहां पर युजवेंद्र चहल ने पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजी लाइनअप को, जिसके अंदर पहले लेते हैं वो सफलता कप्तान श्रेयस अय्यर की, फिर बाहर भेजा शिवम मावी को, फिर ली सफलता वहां पे पैट कमिंस की। इसी के साथ आज युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 40 रन दिए और 5 विकेट्स किए अपने नाम। 5 विकेट हॉल के बाद क्या कहना था युजवेंद्र चहल का अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करने के बाद, बताते हैं आपको, ये सुनिए। मुझे इस मैच का परिणाम बदलने के लिए विकेट्स लेने पड़े, मैंने अपनी गेंदबाजी पर काम किया, मैंने कोच और कप्तान से काफ़ी बात की, मैं गुगली के बारे में सोच रहा था लेकिन फिर मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। मेरी हैट्रिक गेंद पर डॉट बॉल से भी मैं खुश होता, मेरी गुगली अच्छी निकल रही थी और वेंकटेश अय्यर को उसी गेंद पर मैंने आउट किया। मात्र ये बयान नहीं कहे हैं उन्होंने, साथ साथ ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी पे काम किया है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट टीम में उतने रेगुलर और कंसिस्टेंट खिलाड़ी रहे नहीं। अब आने वाले समय में अगर वो रेगुलर और कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, ऐसी किसी परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी उनकी तरफ से, जहां पे वो अपने 6 मुकाबलों में 17 विकेट्स के साथ, अमेरिको पर्पल कैप भी इस समय इसी खिलाड़ी और इसी नाम के पास है, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स के रजवाड़े हल्ला बोल रहे हैं, जी भरकर बोल रहे हैं और अपना काम जैसा कि हमने देखा वो कर ही रहे हैं। युजवेंद्र चहल की हैट्रिक के बाद उन्होंने एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन पोस्ट किया है, जिसकी फोटो आप ऑलरेडी मेरे पीछे देख सकते होंगे। इस आइकॉनिक सेलिब्रेशन पोस्ट के चलते उन्होंने आज अपनी जीत का जश्न मनाया है, और साथ ही में जो इनके हेटर्स थे जो कहते थे कि चहल अब टीम से बाहर रहेंगे, नहीं आ कर सकते हैं वापसी, और उनके मुँह पर भी एक बढ़िया ताला यहाँ पे लगाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि 217 रन जब आज यहाँ पे बनाए थे सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए, लक्ष्य था 218 अंक और वहाँ पे 210 पे सिमट गई पूरी कोलकाता की टीम चहल के 5 विकेट हॉल के चलते, जहाँ 4 ओवर्स में उसके अलावा इन्होंने 40 रन ज़रूर दिए हैं, लेकिन अपनी शानदार गेंदबाजी के चलते अपने नाम किया मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। हमने आपको सुनाया भी क्या कहा उन्होंने, अब देखना होगा आने वाले मुकाबलों में किस तरह से रहेगी प्रदर्शन था इस खिलाड़ी की। आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस तरह से लगी युजवेंद्र चहल की आज की परफॉर्मेंस, और सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट, वो भी सबसे पहले।